आज जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया है कि सियासत धधक उठी है। योगी आदित्यनाथ आज जैसे एक नारा दिया हो, कहा बटेंगे तो कटेंगे, यानी योगी का मैसेज क्लियर है। अब इसे इशारों में समझ लीजिए या फिर डायरेक्ट समझ लीजिए, योगी कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। सीएम योगी ने जैसे हिंदुत्व की हार लाइन ली, अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी साहब कूद पड़े, पलटवार किया। विपक्ष भी समझ रहा है कि योगी सीधे सीधे उनकी जो जातीय पॉलिटिक्स है उसकी काट ढूंढ रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स तो है ही। तो आइए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कैसे बड़ा सियासी युद्ध छिड़ गया है। सीएम योगी ने क्यों बोला बटेंगे तो कटेंगे? इस बयान के पीछे सीएम योगी की पॉलिटिक्स क्या है? कैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया है? सीएम योगी बार बार बांग्लादेश का नाम क्यों ले रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। क्या सीएम योगी फिर से हिंदुत्व वाली हार्डलाइन पर आ रहे हैं? ये सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ नाम हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है, और इसीलिए बीजेपी में उन्हें फायर ब्रांड नेता की उपाधि मिली हुई है। देश भर में बीजेपी कहीं पर भी चुनाव लड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार ना करें। तो इसके पीछे का सच यही है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं, और राजनीति में योगी मॉडल बीजेपी और विपक्ष दोनों के बीच प्रसिद्ध हो चुका है। फिर भी यूपी में बीजेपी और सीएम योगी लोकसभा चुनाव में गच्चा खा गए। बीजेपी में आज तक लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों को लेकर चिंतन और मंथन चलता है। अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी हिंदू वोटरों को एकजुट नहीं कर पाए, और इसीलिए आज हिंदू एकता पर बड़ा बयान दे रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। बांग्लादेश के हालात से इस वक्त दुनिया वाकिफ है। किस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, पूरा बांग्लादेश बगावत की आग में झुलस गया, इस बात से भी दुनिया वाकिफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, मठ मंदिर तोड़े गए, खुद बांग्लादेश के गृह मंत्री ने हिंदुओं पर हुए हमलों को स्वीकार किया, तो जमात इस्लामी ने भी कबूल किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया है। फिर सीएम योगी बार बार बांग्लादेश को क्यों याद दिला रहे हैं, और सीएम योगी ने अब क्यों कटेंगे तो पटेंगे वाला बयान दिया है? तो चलिए इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 80 में से 33 सीटें ही मिली, और बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। सीएम योगी को लेकर बीजेपी के अंदर ही खूब बयानबाजियां हुई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स हुई, बात यहां तक आ गई कि सरकार से बड़ा संगठन है। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ा, और अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जबकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर
जातीय जनगणना वाला दांव खेल रहा है। क्यों, क्या इसीलिए सीएम योगी फिर से हिंदुत्व वाली हार्डलाइन पर लौट रहे हैं और पटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दे रहे हैं? वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाय इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है। सीएम योगी ने बांग्लादेश को आधार बनाकर हिंदुओं को एक होने की जो नेक सलाह दी, आपने देखा विपक्ष कैसे उस पर टूट पड़ा है। यकीनन ये बहुत ही सोच समझ कर दिया हुआ बयान है। ऐसा तो तय था कि योगी सोच कर आए थे, तभी उन्होंने पूरी तुकबंदी बिठाकर बात कही। लेकिन विपक्ष ने सीएम योगी को पीएम मोदी के नाम पर और यूपी बीजेपी में पिछले दिनों आई फूट की खबरों पर घेरा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि देश को हिंदू मुस्लिम में बांट कौन रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट देखें। एक तरफ तो सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को याद दिलाते हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात को लेकर विपक्ष पर भी प्रहार करते हैं। लेकिन जवाब में विपक्ष योगी के सामने सीधे पीएम मोदी को ला रहा है। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक के सकते हुए दिखाई देंगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन है, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहाँ पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुकात है, हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहाँ के शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश के वो देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहाँ पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर ये तो फिर जो नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा या फिर बांग्लादेश में जो रहा हो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो। जन्माष्टमी के मौके पर आगरा में सीएम योगी ने बांग्लादेश को आधार बनाकर हिंदुत्व और हिंदुओं को एकजुट करने वाली पॉलिटिक्स खेली। विपक्ष ने भी बीजेपी को काटने और बांटने वाला बता दिया। आज जिस तरह से राजनीतिक दल विपक्ष के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो वो कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह से जातीय भावनाएं उभारने का काम कर रही है, जिस तरह से मजहबी गुलबंदी करने का काम कर रही है, ऐसे में विभाजन की लकीरें और गहरी होंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान बहुत सराहनीय है, स्वागत योग्य है। हर हिंदुस्तानी को आपकी ये नसीहत याद रहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांट कर ही तो काटा है। भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में चलेगी, कोई भारतीय जनता पार्टी
मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कटेगी और बटेगी। भारत में जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, खरंदकारी, टुकड़े टुकड़े गैंग देश के तोड़ने की भी प्रयास कर रहे हैं, इसके नाते पूरे भारत के नागरिक को सबको एक रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, कौन बांट रहा है, बांटने वाला कौन है? केंद्र सरकार में, पीएमओ में, देश के विश्वविद्यालयों में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बांटने का काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी? आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सीएम योगी पूरा जोर लगा रहे हैं और फिर से हिंदुत्व पर ही पूरा जोर दे रहे हैं। संप्रदाय ऐसा है जो एक कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था, और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, यही भारत का अस्तित्व है। यकीनन बार बार सीएम योगी को लोकसभा चुनावों की हार याद आती होगी और इसीलिए उनके दिमाग में हिंदुत्व की हार्ट लाइन अब फिर से लौट रही है, क्योंकि सीएम योगी का अंदाज यही है। 2022 के यूपी चुनाव में भी सीएम योगी ने 80 बनाम 20 वाली लाइन पर चुनाव जीता था। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी की अग्नि परीक्षा है, तो इम्तिहान सीएम योगी की हिंदुत्व वाली हार्ड लाइन का भी है, क्योंकि इसके जवाब में विपक्ष ने जातीय जनगणना वाली कार्ड निकाली है। आज तक ब्यूरो।